बाद जिम मिस्त्री के साथ बातचीत के आखिरी दौर में हम आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे रोमांच के बारे में। जिमी, हमने सुना है कि आप एक स्पीड फ्रीक हैं, यूं कहें कि यू आर अ स्पीड डीमन। अभी के वक्त में हमने देखा है कि 86 एक्टिविटीज आप करवाते हैं तमाम कॉर्पोरेट्स को, बच्चों को, फैमिली भी यहाँ पे आते हैं। इन एक्टिविटीज में सबसे पसंदीदा आपका कौन सा एक्टिविटी है? वेल, बचपन से अभी ना मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट। स्कूल के जमाने में वी यूज्ड टू डू मोटोक्रॉस रेसिंग, स्कूल के बाद कॉलेज में वी यूज्ड टू डू मोटोक्रॉस रेसिंग। आई हैव बीन एट पार्टिसिपेटेड इन रोडल ट्रॉफी पूना, बाइक स्टंट्स करते थे, हर प्रकार की चीजें मोटरसाइकिल पे करते थे। सो आज भी मोटरसाइकिल इज समथिंग दैट आई फील आई एम वेरी कनेक्टेड टू। और यहाँ पे ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज, ये एक ही जगह इंडिया में जहाँ पे मोटरसाइकिल का डर्ट बाइक का ट्रैक बनाया हुआ है, एंड यू कैन कम एंड राइड द मोस्ट प्रोफेशनल मोटरसाइकिल जो आप फिल्म में सलमान खान को देखते चलाते हुए, यू कैन एक्चुअली कम एंड राइड देयर। सो दिस इज वन ऑफ दोस प्लेसेस कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके फॉर वॉट एवर फी, 1000-2000 रुपए जो भी उसकी फी है, आप उसको बाइक हायर करके यहाँ चला सकते हैं, एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस अ यामा YZ250 2012 मॉडल और होंडा CR जो पहले हमें केवल देखने मिलती थी। सो आई एम स्टिल टू मच इन लव विद माय मोटरसाइकिल्स, और मोटरसाइकिल राइडिंग इज बीन अ पैशन, इज नाउ टर्न इनटू पैशन, इनटू अ काइंड ऑफ अ बिजनेस। पर ऑल सेड एंड डन, फ्लाइंग फॉक्स अगर आप देखेंगे यहाँ से अभी लोगों को जाते हुए, इन फ्लैट 22 सेकंड्स यू आर डाउन अक्रॉस 1.2 किलोमीटर। सो these are the things that excite me, anything to do with speed but safe speed. So safety first, and after the safety is there, naturally anything that's got too much of power, too much of energy inside is something jo mere ko personally pasand hai. Aur nature ki baat kare, humne dekha ki aapko janwar se bahut zyada pyar hai. Hum ghode yahan pe dekh rahe hain, pets bahut sare yahan pe hain. I have been a nature lover, and predominantly within nature, dogs, horses, any kind of animal which is domesticated, and getting people closer. हम सिटी में रहते हैं, हमें एनिमल्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है। हमने एक एक्टिविटी चालू की थी एंड लोग मेरे पे बहुत हंसे थे तब, दैट यू आर गोइंग टू मेक पीपल मिल्क अ काउ और वो आपको उसके पैसे भी देंगे। आई सेड यस, इट विल बी डन, बिकॉज अफ्रीका में हो रहा है, इट्स वेरी सक्सेसफुल, एंड लोग कुत्तों को राउंड पे ले जाएंगे और उसके लिए आपको पैसे देंगे। आई सेड यस। सो उस वक्त जब लोग हंसते थे, टुडे वही लोग आके पैसे देके वो एक्टिविटी कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्टिविटी जब आप फैमिली को लेके एक गौ को गौशाला में बैठ के आप गौ को धो रहे। सो इट्स अ बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आपने और मैंने कभी की नहीं थी। सो इट्स और उस वक्त जब आप ये चीजें करते हैं आपके बच्चों के साथ में, सो फैमिली बॉन्डिंग और इंटरेक्शन जो होता है, या एक दादा दादी और पोता इस चीज को कर रहे, तो उस वक्त जो फैमिली बॉन्डिंग होता है, दिस कैन नॉट बी कंपेयर टू अ शॉपिंग मॉल और अ फाइव स्टार डिनर। फरारी वर्ल्ड रहे या डिज्नीलैंड हांगकांग में रहे या पेरिस में रहे, आई हैव बीन टू ऑल। लंदन में थॉर्प पार्क क्या होता है, मैकेनाइज्ड एक्टिविटीज से इमोशनल क्वेश्चन निकल जाता है, एंड दैट इज वाई अगर आप मेरे पूरे एडवेंचर पार्क में देखेंगे तो हमारे यहाँ 86 एक्टिविटीज में कोई भी जायंट राइड्स नहीं है या कोई भी छोटे प्रकार के राइड्स नहीं है। प्रीडोमिनेंटली एवरीथिंग आपको करना है, घोड़ा चलाना आपको चलाना है, साइकिल चलानी आपको चलानी है, फ्लाइंग फॉक्स करना आपने करना है, मशीन नहीं करने वाला। सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन रिक्रिएशन जो हमारे यहाँ है, इन द ट्रू एसेंस ऑफ द वर्ड रिक्रिएशन, जिसे कहते हैं फॉर माइंड बॉडी एंड सोल। ये तीन चीज का जब मिलाप होता है एक जगह में, और इन तीनों चीजों के साथ में आपको अच्छा फूड एंड बेवरेज मिले, अच्छा खाना मिले, वेज खाना, नॉन वेज खाना, माने हर प्रकार के शौकीन लोग के लिए, दिस इज व्हाट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। सो देयर इज अ इन एवरी एरिया पैशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस, चाहे हम डिजाइनिंग करते, नॉलेज, रिसर्च, पैशन, ये कुछ तीन चार चीजें जो बिल्कुल अहमियत रखती है, और यू हैव टू डिलीवर टू बी द बेस्ट। माने आप अगर आप ही खुद एस्पायर नहीं करेंगे टू बी द बेस्ट, तो आपके डाउन द लाइन लोग विल ऑल्सो नॉट डू द सेम थिंग, and it is very very critical that this one passion makes a world of a difference. Chahe aap construction kar rahe hain to latest construction technology le lijiye, chahe aap design kar rahe hain to aapke bungalow ki design sabse sundar honi chahiye, they should be indianized. Kafi sare international consultant aur architects aake bungalow bana dete hain hamare India mein, ab wo international design yahan pe validated nahi hai. I'm not saying they are bad, they are fantastic architects, but wo hamare yahan pe validated nahi hai. Ab jab us bungalow mein rehte hain, aapko malum hai ki hamari climatic conditions ke liye wo bungalow ki design is not apt. So you need to do a lot of research. आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपने। अभी भी अगर कोई मुझसे आके कहे कि ये मिसिंग है पार्क में, तो आई इमीडिएटली गेट वेरी एक्साइटेड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम, कि ठीक है आपने देखा, व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मिसिंग है? ठीक है, अगर फॉर ओल्ड पीपल कुछ नहीं है तो हमने मंदिर है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ मंदिर में गणेश भगवान है, साई बाबा जी है, शिवलिंग है, माता जी है,
स्वामीनारायण भगवान है, तो क्या होता है कि अगर अगर किसी के लिए कुछ करना नहीं है तो आप जाके सत्संग करिए. इतनी बढ़िया सुंदर जगह पे मंदिर बनाया हुआ है. द आइडिया एंड कंसेप्ट इज देयर शुड बी समथिंग फॉर एवरीबॉडी वेर वेर यू कैन इमोशनली कनेक्ट. माने अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप वो जगह में दोबारा नहीं आएंगे. आप इमोशनली एक कुत्ते से या गौ से या फ्लाइंग फॉक्स से या एटीवी से कनेक्ट हो जाते तो आप लाइफ लॉन्ग के गेस्ट हैं. सो दैट्स द डिफरेंशिएशन इमोशनल कनेक्शन फॉर अ गेस्ट फॉर एन एम्प्लॉय फॉर एवरी स्टेक होल्डर. बिल्कुल. अब जिंदगी यहाँ पे आपने कम उम्र में काफी ज्यादा हासिल कर लिया, आप यूं ही कहेंगे, लेकिन अब यहाँ से जिंदगी कहाँ आप जाती देखते हैं? वेल आई थिंक ये तो शुरुआत है. There is sky is the limit because अगर recreation में adventure में competition नहीं है तो I think it's a fantastic business. आज हमारे यहाँ देश में ऐसे बहुत कम business रहेंगे जहाँ competition नहीं है और कम है. So this is a fantastic opportunity और हमने एक park स्थापित कर दिया है. अभी यही park हम नोएडा लेके चले, गुड़गांव लेके चले, यही पार्क हम बैंगलोर लेके चले, तो इमेजिन द काइंड ऑफ रश दैट विल बी देयर 7 days a week. हमारे यहाँ पे ज्यादा करके ट्रैफिक वीकेंड्स की रहती है, पर अगर ये सिटी के आउटलिमिट्स में है, अहमदाबाद में, इंदौर में, बैंगलोर में, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, स्काई इज द लिमिट. नई चीजें बनाते हैं जिमी, हम आपको एक जिमी का ऐसा रूप दिखाते हैं. जब जिमी कुछ नई चीजें नहीं बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं आपको दिखाते हैं. बस अभी आइए. जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एटीवी 800cc पोलारिस. और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ रिलैक्स करना है तो आई राइड दिस एटीवी एंड आई फील दिस काइंड ऑफ हेल्प्स मी टू अनवाइंड एंड गेट माय क्रिएटिव पैशन बैक अगेन. तो मेरे लिए अगर अनवाइंड करना है, रिक्रिएट करना है, तो दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी आई एम सी. तो जिम मिस्त्री जब बोर्ड रूम में नए टैक्टिक्स नहीं बना रहे होते हैं तो अपने हाथ यहीं पे आजमा रहे होते हैं. इस खास पेशकश में इतना ही, पर देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे TV9 के साथ.